हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में अपनी सप्लीमेंट्री का चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप अपने एसएस में पढ़ते हो, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसे आई। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो भी चीजें हुई मिली, घाटी क्या होती है बेटा, जैसे घाटियां नहीं होती है पहाड़ों के बीच में जो बनी होती है, तो ऐसे ही एक सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां पर क्या क्या मिले, कैसी उसकी स्थिति थी, क्या क्या उस बारे में सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए बेटा, ये चैप्टर जो है आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब आपका पेज नंबर 17 से शुरू होकर 46 तक, इतना बड़ा चैप्टर है। तो मैं आज आपको इसका सिर्फ सार बताऊंगी और इसके वर्ड मीनिंग करवाऊंगी। ठीक है बेटा, देखिए इसका सार क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता जो पाठ है हमारा, उसका सार देखिए क्या है। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता में देखी जा सकती है। भारत के अतीत की मतलब भारत पहले कैसा था, उसकी झांक की सबसे पहले कहां देखी जा सकती है, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों में प्राचीन इतिहास के प्रति नई सोच सामने आई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच स्थानगत काफी दूरी है। इनके बीच और भी नगर बसे होंगे जिनके अवशेष जमीन में दबे पड़े होंगे। लेखक का मत है कि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता पंजाब, हरियाणा, काठियावाड़ और गंगा की घाटी तक फैली होगी। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त चिन्हों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता बहुत ही विकसित और हजारों वर्षों तक प्रगति के पथ पर रही होगी। यानी कि इस सिंधु घाटी सभ्यता ने बहुत ज्यादा प्रगति की है और बहुत ज्यादा प्रयास करके उन कामयाबी को, सफलता को प्राप्त किया है। यह एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता रही होगी। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिश्र सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध कायम किए। इनमें व्यापारी वर्ग खूब अमीर था। सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें थी। भले ही सिंधु घाटी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है, किंतु यदि वर्तमान को इससे जोड़कर देखें तो पता चलता है कि अनेक बदलाव होने पर भी इसमें निरंतरता बनी हुई है। निरंतरता बनी हुई है मतलब कितनी पुरानी है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, कितनी पुरानी है, पर उस टाइम भी सड़कों पर छोटी मोटी दुकानें होती हैं जैसे कि आज होती है। तो यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता जो है आज भी बनी हुई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति को देखकर उस समय के रहन सहन, रीति रिवाजों, दस्तकारी एवं पोशाकों का बोध होता है। इस संस्कृति से वर्तमान भारत को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि आज का भारत उसके जीवन के तौर तरीकों एवं सभी कलाओं तथा तकनीकी का भारत में तकनीकी का अत्यधिक विकास हुआ है। इनकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई पड़ती है। अब बेटा, जो पहले की जो इतनी सारी चीजें थी, वो सारी चीजें आज हमें दिखाई दे रही है। और इस ये जो आपका चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, ये था इसमें और क्या क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान आर्य हमारे भारत में आए और उसमें वेद, पुराण और उपनिषद, ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते जुलते, महाभारत, भगवत गीता, ये सभी जो है इसी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है मिले जब खुदाई की थी। तो ऐसे ही ये बुद्ध है, अशोक है, चंद्रगुप्त, चाणक्य, इनसे संबंधित सभी चीजें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त हुई, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त हुई। ये छोटा सा लेख मैंने आपको, इसका सारांश इस पाठ का मैंने आपको बता दिया। और वैसे ही इसकी रीडिंग जब स्कूल ओपन होंगे तब हम इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे। अभी मैंने इसकी समरी जो आपको बता दी है, चलिए अब हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। देखिए बेटा, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग देखिए, चैप्टर बड़ा है तो वर्ड मीनिंग भी इसके बहुत सारे हैं। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। जो भी काम आपको लिखने के लिए दिया जाता है वो अंडरस्टूड होता है कि आपको वो याद करना है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए वर्ड मीनिंग।
दस्तकारी हाथ से बना सामान, कोई भी सामान हो, चाहे मिट्टी का हो चाहे धागों का हो, किसी भी चीज से जो बना सामान होता है वो क्या होता है? दस्तकारी। हमाम नहाने का तालाब, दायित्व कर्तव्य। अभिलेख पुराने लिखे गए लेख। गृह युद्ध जातीय युद्ध, गृह का मतलब क्या होता है? घर। युद्ध का मतलब युद्ध, जो आपस में अपनी ही जाति के लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर जब युद्ध करते हैं तो क्या होता है? गृह युद्ध। आत्मानुशासन, आत्म, इसमें देखिए बेटा दो शब्द मिले हुए हैं, आत्म और अनुशासन। आत्म का मतलब होता है अपने आप, अनुशासन मतलब क्या होता है? अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको आप बोलते हो, तो अपने आप को अनुशासन में रखना। लोक मंगल, लोक क्या होता है? जनता पूरी। लोक मंगल मतलब लोगों का भला। निर्वाण मोक्ष। सूबा इलाका, प्रपंच आडंबर। 1 to 10 थे बेटा ये, यहाँ से देखिए 11। मात हक अधीन, अधीन क्या होता है? किसी के भी अंडर रहना, वो होता है अधीन। सफरनामे, सफर क्या होता है? जर्नी। सफरनामे मतलब यात्रा का वर्णन। नामी निरामी, नामी गिरामी प्रसिद्धि। पारलौकिकता, परलोक संबंधी विश्वास। सेवानिवृत्त, रिटायर। आपने ये वर्ड तो सुना होगा कि जो फंक्शन होते हैं कई बार रिटायरमेंट के, वो बोलते हैं सेवानिवृत्त का फंक्शन है, समारोह है, ठीक है, तो रिटायर होना। अधुनातन बहुत नया, वृतांत वर्णन, दृष्टिकोण नजरिया। परिहार रोकना, ए नीति नीति के विरुद्ध। बेटा जिसमें भी ए आ जाता है ना वो गलत चीज हो जाता है, जैसे जैसे पढ़ अनपढ़, तो इस तरह से ये नीति, तो नीति के विरुद्ध अनीति, ठीक है। ये 1 to 20 थे, इधर से देखे 21। मत्स्य मछली। 22 है मोहताज निर्भर। कतलेआम मारकाट। मुकम्मल पूरा। विश्वकोश संसार संबंधी विचारों का संग्रह है। बोधि बुद्धि से सोचने की शक्ति। सांप्रदायिक किसी धर्म विशेष से संबंधित। अहलदा अलहदा अलग। शिकंजा पकड़। मनोवृत्ति इच्छा। ये बेटा 1 to 20 वर्ड मीनिंग मैंने आपको समझा भी दिए हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, याद भी करने हैं, ठीक है बेटा। अब हम अगले क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।